कमेंट सेक्शन में अभी एक हॉट सवाल है, Realme 6 या Poco M2 Pro दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। मैंने दोनों स्मार्टफोन का अभी तक फुल कंपैरिजन नहीं किया है, इसीलिए मैं आप लोग से कह नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन एक्चुअली आपको खरीदना चाहिए। लेकिन गाइज कई दिनों से ऑलरेडी ये दोनों स्मार्टफोन मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो अभी तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्प्ले और स्पीकर के बारे में भी खास तौर पे बात करेंगे। Realme 6 आई हो या फिर Poco M2 Pro दोनों स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 4GB और 6GB रैम वेरियंट। 6GB रैम वेरिएंट अभी फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन का 4GB रैम गायब है। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। वैसे तो आप लोगों को डिज़ाइन दोनों का दिख गया होगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप मेरे से पूछो तो मैं डिज़ाइन के मामले में Poco M2 Pro पिक करने वाला हूं। लेकिन गाइज साइज़ की अगर बात करूं, ग्रिप की बात करूं एंड यूज़र एक्सपीरियंस की बात करूं, तो गाइज Realme 6 आई के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूं। मेरा हाथ थोड़ा सा छोटा है तो मुझे Realme 6 आई को यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसका जो बटन्स का पोजीशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। एंड गाइज ओवरऑल जो इसका साइज़ है ना वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, वज़न भी थोड़ा सा कम है। बाकी गाइज अगर आपके हाथ कानून जैसे लंबे हैं तो आप Realme 6 आई हो या फिर Poco M2 Pro आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन पिक कर सकते हो। अब गाइज देश का सबसे अहम सवाल पबजी के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो गाइस दोनों स्मार्टफोन में मैंने पबजी खेल कर देखा और मुझे सीरियसली कोई इशू कोई भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि M2 Pro से ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे Realme 6 आई में हुआ या फिर Realme 6 आई से ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे M2 Pro में हुआ। हीटिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि MediaTek Helio G90T चाहे वो किसी भी स्मार्टफोन में लगा है Snapdragon वाले स्मार्टफोन से थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जो टेम्परेचर मुझे देखने को मिला दोनों स्मार्टफोन में, इतना कह सकता हूँ कि 2-3 degree टेम्परेचर ज़्यादा आपको Realme 6 आई में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप गेम कंटिन्यू नहीं रखना चाहोगे। इस परफॉर्मेंस एंड स्पीड की अगर बात करूँ ना, तो दोनों स्मार्टफोन मेरा 6GB रैम वेरिएंट है एंड दोनों में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं। 2-4 दिनों तक मैंने M2 Pro, 2-4 दिनों तक Realme 6 आई में सिम डालकर रेगुलर यूज़ करके देखा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। परफॉर्मेंस मुझे दोनों का ही बराबर लगा। ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट भी मैंने किया है और दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी अच्छा काफ़ी सॉलिड टक्कर दिया। लेकिन गाइस रैम मैनेजमेंट में Realme 6 आई सिंपली चैम्पियन है, तो आपको मल्टीटास्किंग का बेटर एक्सपीरियंस होगा Realme 6 आई में, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों में आपको बराबर लगेगा। किसी भी स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है रैम पे, प्रोसेसर पे और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो ये डिपेंड करेगा आपको MIUI 11 पसंद है या फिर Realme UI, आपको कौन सा यूज़र इंटरफेस पसंद है, किसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आपको डिसाइड करना है। आप लोग ऑलरेडी इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोज़ देख चुके होंगे Realme UI कैसा दिखता है और MIUI 11 या MIUI 12 कैसा दिखता है। चार्जिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ ना, तो Realme 6 आई में आपको 30 वाट का चार्जर मिल जाता है और Poco M2 Pro में 33 वाट का। लेकिन Poco M2 Pro में बड़ी बैटरी है 5000mAh की और Realme 6 आई में 4300mAh की। तो गाइस चार्जिंग स्पीड जो है दोनों का ही मुझे ऐसा लगता है कि बराबर है एंड बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से Poco M2 Pro में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन चार्जिंग स्पीड में दोनों ही डिवाइस आपको निराश नहीं करेगा। गाइस गेमिंग एंड परफॉर्मेंस तो हो गया, बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो गाइस बैटरी लाइफ में सिंपली Poco M2 Pro विनर है, चैंपियन है। 5000mAh की बैटरी कुछ घंटे आराम से ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दे सकता है अगर आप इसे Realme 6 आई से कंपेयर करें। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले गाइस ब्राइटनेस, दोनों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है ना ब्राइट है, इंडोर में आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगा, दोनों डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट लगेगा। लेकिन एक्चुअली कोई भी स्मार्टफोन को अगर आपको चेक करना है कि कितना ब्राइट है, तो आप तेज़ रोशनी में ले जाना, तब आपको पता चलेगा। गाइस दोनों ही स्मार्टफोन का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, आउटडोर में आपको दोनों स्मार्टफोन में स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने Realme 6 और 6 आई का पहले ही आपको शायद बताया किसी वीडियो में एंड Poco M2 Pro का भी डिस्प्ले टेस्ट कर चुका हूँ। ब्राइटनेस मुझे दोनों का ही बहुत ज़्यादा नहीं लगा, ऐसा लगा था कि थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइटर होना चाहिए डिस्प्ले बेटर आउटडोर विजिबिलिटी के लिए। लेकिन आपका काम चल जाएगा, आपको दोनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस लेवल को फुल करना पड़ेगा बहुत तेज़ अगर धूप हुई तो। एंड गाइस अगर व्यूइंग एंगल की बात करूँ ना, तो Realme 6 आई स्लाइटली बेटर लगा, मतलब एकदम 19-20 का फ़र्क है, दोनों का ही बहुत अच्छा व्यूइंग एंगल नहीं है, लेकिन Realme 6 आई मुझे स्लाइटली बेटर लगा। अब गाइस वीडियो एक्सपीरियंस, टॉप वाला है Poco M2 Pro और बॉटम वाला है Realme 6 आई। कलर्स की अगर बात करूँ तो Realme 6 आई का जो कलर है थोड़ा सा पंची है, थोड़ा सा वाइब्रेंट है एंड
पोको M2 प्रो का जो कलर है ना, ये थोड़ा सा नेचुरल साइड पे है। अब ये डिपेंड करेगा आपको किसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कलर्स जो है वो आपको कैसा देखना अच्छा लगता है, थोड़ा सा पंची, थोड़ा सा वाइब्रेंट या बिल्कुल नेचुरल। गाइस दोनों का ही डिस्प्ले सुंदर लगता है, दोनों में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है और दोनों में ही वीडियो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में से कोई एक को बोल सकते हो कि ये बेकार है, दोनों ही आपके सामने है एंड दोनों ही सुंदर लग रहा है। बस मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा पंची कलर, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि ओवर सैचुरेटेड है, थोड़ा सा पंची कलर रियलमी 6i का है एंड M2 Pro का थोड़ा सा नेचुरल साइड पे है। गाइस अब दोनों स्मार्टफोन का एक चीज़ आप नोटिस करो, वो है शार्पनेस। शार्पनेस में रियलमी 6i बेटर है। आप देख सकते हो मैंने कुछ आपको सीन ऐसा दिखाया जिसमें आपको शार्पनेस के बारे में आइडिया हो जाएगा। रियलमी 6i का डिस्प्ले जो है ज़्यादा शार्पर है, ये चीज़ मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बोला था। पोको M2 Pro का डिस्प्ले को मैंने रेडमी नोट 9 से कंपेयर किया था और रेडमी नोट 9 का डिस्प्ले ज़्यादा शार्पर था पोको M2 Pro के डिस्प्ले से। तो गाइस यहाँ भी रियलमी 6i का जो डिस्प्ले है ना, ज़्यादा शार्प है पोको M2 Pro के डिस्प्ले से। लेकिन जब तक दोनों को आप साइड बाई साइड नहीं देखोगे आप नोटिस नहीं करोगे। आप देख सकते हो रेड कलर आपको ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा होगा रियलमी 6i में, इस तरह आपको अलग अलग सीन में लाइक ग्रास है, स्काई है, वो ज़्यादा वाइब्रेंट लगेगा लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको बुरा लगेगा कलर। तो गाइस कलर के मामले में, शार्पनेस के मामले में रियलमी 6i ज़्यादा बेटर है। अब गाइस स्पीकर, दोनों में हम कुछ म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं किसका स्पीकर ज़्यादा लाउड है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। 6i Poco en tu prueba. 6i. ओके गाइस, तो स्पीकर के मामले में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। मैंने पहले भी दोनों में म्यूज़िक सुना था, अभी भी सुना है और कन्फ्यूजन मेरा अभी भी बरकरार है। मुझे क्वालिटी के लिए M2 Pro ज़्यादा बेटर लग रहा है, स्लाइटली ऑप्टिमाइज है, जो आउटपुट निकल कर आ रहा है कानों में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो बीट है, बेस वगैरह है, वो M2 Pro में ज़्यादा बेटर लग रहा है एंड रियलमी 6i ज़्यादा लाउडर है। क्वालिटी स्लाइटली बेटर है M2 Pro की, लेकिन गाइस रियलमी 6i का थोड़ा लाउडर है एंड लाउडर ज़्यादा बेटर होता है कई केसेस में, लाइक रिव्यूज़ वगैरह, अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने में, मूवीज़ देखने में रियलमी 6i में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कैमरा की बात करूँ तो गाइस दोनों स्मार्टफोन से मैंने साइड बाय साइड पिक्चर नहीं लिया है रियर कैमरा से, इसलिए नहीं बोल सकता आपको। सेल्फीज़ लेकर देखा और सेल्फीज़ के लिए मैं पोको M2 Pro को पिक करूँगा, लेकिन बहुत जल्द मैं कैमरे का डिटेल में रिव्यू कर दूँगा। वीडियो रिकॉर्डिंग एंड कुछ और चीज़ें भी मैटर करती है, सिर्फ सेल्फीज़ ही मैटर नहीं करता, राइट। जो चीज़ें मैं कवर कर पाया अभी तक वो आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।